चोर फाटक का एक अपडेट है गाइस, आई गिव यू द अपडेट। आपको मोतीचूर फाटक का एक अपडेट देता हूँ। ये देख रहे हो गाइस, रेलवे अंडरपास जहाँ बनना है वहां पे क्रेन दिख गई है हमें आज काफी दिन के बाद। इसका मतलब कि अब अंडरपास का काम शुरू हो जाएगा बनने का। तो ये जो गार्डर पड़ा है इसको इस पे लगाया जाएगा और अब वहां पर काम शुरू हो चुका है। तो मतलब अब जब भी मैं सुबह आऊंगा और हर 10 12 15 दिन में कुछ ना कुछ अपडेट मिलेगा तो मैं वो आपको दूंगा। यह है मोतीचूर फाटक, मोतीचूर वाला जो रेलवे क्रॉसिंग है उसके ऊपर जो बन रहा है, ये यहाँ तक बना हुआ है। ये इसके आगे का ये सामान गार्डर वगैरह पड़े हैं इसके, एंड अब उसके बाद ये क्रेन मुझे अभी अभी दिखी तो मैंने सोचा रोक के इसको एक बार दिखा दिया जाए। तो जल्दी कुछ दिनों में आपको एक नए अपडेट्स मिलेंगे इसके बारे में। अपडेट ये है कि पहले लेफ्ट साइड की सड़क चल रही थी, अभी बंद कर दिया इन्होंने। बंद करने का रीज़न ये है कि फाइनल काम चल रहा है इस पुल पे, जो हरिद्वार में जब आप एंटर करते हो तो जो पहला पुल आता है वो पहले पुल के बिल्कुल पास है, इस समय वो सामने है वो पुल। तो ये पुल जो है ऑलमोस्ट बन के तैयार है, अब मेरे को लगता है बन ही चुका है ये। इसके आगे पीछे की सड़क को बनाया जा रहा है। इसके पहले जो मैंने वीडियो एक बार बनाया था इस जगह का, उसमें मैंने दिखाया था कि आपका साइडों का काम चल रहा था, उसमें साइडों को जोड़ने का, तो पुल से साइडों जोड़ दी गई हैं, उस पे सड़क का काम चल रहा है। तो ये पुल अब जल्दी चालू होने वाला है। जैसे ही पुल चालू होगा उसके बाद ही पुराने पुलों को रिपेयर करने का काम शुरू होगा। तो आने वाले 10-12 दिन में शायद हमें 1-2-3, तो जिसमें से एक पुल चालू हो चुका है, टोटल मिला के 4 पुल है। एक जिससे अभी मैं निकला हूँ वो वाला, तो भाई अभी देख लो साइडें बनाने का काम चल रहा है, साइडों पे कलर हो रहा है। ये सड़क बनाई है इन्होंने अभी 2 दिन पहले, नहीं इसके ऊपर पूरा माल डाल दिया है इन्होंने और सड़क बहुत बढ़िया हुई। अब आपको ना एक फर्क दिख रहा होगा, अभी तक मैं जिस रोड पे चल रहा था ना, आप वीडियो जो है ऊपर नीचे बार बार हिल रहा था, अब आपको दिख रहा होगा कि मेरा मोबाइल इतना नहीं हिल रहा, फर्क साफ है। सही रोड और खराब रोड के अंदर का फर्क साफ है। फिर कैसे काम कर रहे हैं इस समय, अब जल्दी जल्दी काम होगा। बहुत कम मोबाइल हिल रहा होगा इस समय, आपको फील हो रहा होगा। तो ये पहुंच चुका हूं मैं हरिद्वार में, और दूसरा गंगा जी के ऊपर तो दूसरा ब्रिज है वहां आने वाला है, और वह पे थोड़ा सा जैम लग रहा है। ये है दूसरा पुल, ये भी बनके तैयार है, इसके ऊपर का रोड फाइनलाइज हो रहा है, तो हो सकता है जल्द ही इसको भी स्टार्ट कर देंगे। और हम पहुंच चुके हैं हरकी पौड़ी के पास, और ये है सनसेट का व्यू हरकी पौड़ी पे इस समय। तीसरा पुल जिस पे काम सबसे लास्ट में शुरू हुआ, लेकिन 1 महीने के टाइम में गाइस ये पुल ऑलमोस्ट बन के रेडी है। कैन यू बिलीव इट, ये जो पुल आप देख रहे हो इसको मैं आपको कैसे दिखाऊं यार, तो भाई ये देखो, गाड़ी से निकल नहीं सकता ना। तो ये जो पुल है आप जो देख रहे हो ना, इसके जो ऊपर काम चल रहा है, अब मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ पहले भी कि दिवाली से पहले यानी कि दशहरे के आसपास गंगा जी का पानी रोका गया था, और उस बीच में लगभग 25-30 दिन का टाइम था इनके पास, और 25 दिन के 25-30 ओहो 20-25 दिन के
टाइम में ही इन्होंने इस पुल को पूरा सेट कर दिया है और लेंटर वेंटर सब डल चुका है इसके ऊपर। सिर्फ इसके ऊपर लेंटर को पक्का होने के बाद, सड़क डालने के बाद पुल चालू, मतलब 1.5 महीने के टाइम में एक पुल बन सकता है। ओके, तो अभी हम जहां पे चढ़ने वाले हैं, जिस पुल के ऊपर चढ़ने वाले हैं, वो है इस रोड पे एक लोता पुल जो शुरू हो चुका है। इस पुल को मैंने आपको दिखाया था रात को, रात के टाइम में, बट वो रात के टाइम में इतना साफ दिखा नहीं था। तो गाइस हम चढ़ चुके हैं नए पुल के ऊपर। ये पुल जो है हरिद्वार में बिल्कुल हर की पौड़ी के सामने पड़ता है और अभी सबसे पहले पुल यही स्टार्ट हुआ है। तो ये है नया वाला पुल। पुल अच्छा बन गया है, 3 लेन ब्रिज है ये। तो पुराने वाले जो जितने भी पुल हैं वो डबल लेन है और नए पुल जितने भी बन रहे हैं अब वो 3 लेन बन रहे हैं। तो जब 6 लेन रोड बनने का प्रोजेक्ट आएगा तो फिर पुराने वाले ब्रिज को शायद या तो उसको एक सिंगल लेन बढ़ाया जाएगा या एक और नया ब्रिज बनाया जाएगा कभी, जब 6 लेन बनने की बात आएगी। तो फिलहाल ये जो पुल था ये इकलौता पुल है हरिद्वार में इस समय जो हाईवे पे चालू हुआ है। और इसके बाद 3 ब्रिज और हैं जिनमें से 2 रेडी हैं और 1 ऑलमोस्ट रेडी, तो वो भी अब चालू होने वाला है। और ये आप देख रहे हैं इस समय हरिद्वार में सनसेट व्यू। ये पुल यहाँ पर खत्म हो जाता है, उसके अलावा यहाँ पे हर की बॉडी की पार्किंग वाला एरिया सा रहा है, तो यहाँ पर भी बहुत कुछ हो रहा है। पता नहीं शायद फुट ओवर ब्रिज टाइप कुछ बन रहा है इसमें, ये बन रहा है फुट ओवर ब्रिज टाइप कुछ। और फिर सीधा हम पहुंचते हैं यहाँ से चंडीघाट पर। और चंडीघाट का मैं आपको बता दूंगा, इस चंडीघाट में अभी कोई कुछ खास प्रोग्रेस नहीं है, मतलब पुल बन के तैयार है बट वो दोनों साइड के जो उसकी जो इंक्लाइन पार्ट और डिक्लाइन पार्ट है वो बस बन ही रहा है, उसे बनने में टाइम लग रहा है। तो ये चंडीघाट का पुल है, बस अपने वीडियो को यहीं पे हम खत्म करते हैं क्योंकि इसके आगे ऐसा कोई खास अपडेट अभी है नहीं। जब कोई नया अपडेट आएगा, ज्यादातर वीडियो बनेंगे तभी जब कहीं घूमने का मौका मिलेगा। जैसे घूमने का मौका मिला मुझे तो 3 दिन में मैंने ऑल वेदर रोड को भी जितने एरिया में मैं ट्रेवल करके आया उस एरिया में ऑल वेदर रोड भी मैंने कवर किया और मधमहेश्वर का पूरा ट्रैक भी कवर किया है मैंने। आप देख जरूर सकते हो जितने भी सब्सक्राइबर हैं चैनल पे। एंड उसके अलावा यार देहरादून वाला एक अपडेट मुझे बनाना है। इतनी छुट्टियों के बाद ना अब छुट्टियां मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो जैसे ही कोई भी छुट्टी आएगी, अब छुट्टी आती है तो घूमने का प्लान भी बन जाता है और छुट्टी ही आती है तो जब कहीं घूमने जाऊंगा तो वहाँ पे रोड, वहाँ का डेवलपमेंट और जो भी चीज़ वहाँ पे कुछ खास होगी उसे कवर भी किया जा सकता है। तो अब देहरादून का भी मुझे लग रहा है ऐसे बनाना पड़ेगा, एक दिन स्पेशल घूमने के लिए ही प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, तब वहाँ का भी वीडियो बन जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि दिवाली की छुट्टी और वो ट्रिप 3 दिन का सब मिला के अब इस समय बिल्कुल भी टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा कि छुट्टी लेके कहीं जाया जाए, लेकिन जल्द ही बनाते हैं क्योंकि वीडियो तो बनेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, अभी जाम लग रहा है बहुत ज़्यादा आगे। तो टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। ऋषिकेश से हरिद्वार पहुँचने में ये 2-2 घंटे लग रहे हैं यार। होप जल्दी ये पुल बन जाए और हमारा टाइम जो है वो 20 मिनट रह जाएगा फिर ऋषिकेश से हरिद्वार, जब ये हाईवे बन जाएगा।